अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमने, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमने, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के सब? अविनाश, मैं अभी अभी ऑफिस पहुंची। जानता हूँ मैम साहब, जानता हूँ। ठीक टाइम कैलकुलेट करके फोन किया है कि घर से ऑफिस तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। मैम साहब, तुम हमें जानती नहीं। मैं पेशे से डॉक्टर जरूर हूँ, लेकिन जासूस खानदानी। तुम अभी तक घर में ही हो? बस ब्रेकफास्ट खत्म किया है, ऑफिस के लिए निकल रहा था, सोचा मैम साहब से बात कर लूं। अच्छा, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय। मैंने बीच में बहुत सी चिट्ठियां लिखी थी रोहित को, लेकिन शायद वो उसे मिल नहीं पाती थी, या फिर वो जानबूझकर उनका जवाब नहीं देना चाहता था। गायत्री, मेरे यहां से चले जाने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि रोहित कहां गया है, क्या करता है। पर कहीं एक बात तो तय थी, रोहित और शिवानी को कुछ भी नहीं होगा। और फिर एक दिन पता चला कि शिवानी की शादी हो गई है, तभी इस बात का एहसास हुआ कि रोहित बिल्कुल अकेला पड़ गया होगा। और मैंने तभी अपना तबादला वापस मुंबई करवाने की अर्जी दे दी। सोचा दोस्त के साथ ही रहूंगा, उसे मेरी जरूरत होगी। पर इससे पहले कि मेरी अर्जी मंजूर हो पाती, किसी ने आके मुझे खबर दी कि रोहित और गायत्री की शादी हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी ट्रांसफर आउट ऑफ इंडिया करवा ली। मैं अच्छी तरह से जानता था अगर मैं यहीं रहता तो रोहित कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ ही निकालता, और एक दिन तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता और कहता, अजय, गायत्री मेरी बीवी। और शायद उस वक्त मैं ये सब ले नहीं पाता। हेलो। हेलो, कहो। क्या फोन तुमने किया है? तो वो मेरी कमजोरी है। तो फिर ताकत क्या है? तुम। अविनाश, तुमने शिवानी। एक मिनट। यस।
नहीं नहीं तुम बात करके कैबिन में आ जाओ। नहीं नहीं मैं अभी आती हूँ, मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ। क्यों? मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं विल यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिवानी आराम से बात कर लो, मैं शाम तक यही हूँ प्लीज। तुम दो मिनट नहीं रुक सकते। कौन था? मेरा बॉस। शिवानी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारा बॉस मैं हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ, समझे? अविनाश विल यू टॉक टू मी लेटर प्लीज। ठीक है मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हेलो अजय, मैं रोहित को शिवानी के बाद नहीं बल्कि पहले, काफी पहले चाहती थी। उसके अंदर बैठा एक छोटे शहर का लड़का मुझे बहुत पसंद था। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत, मैं उसे चाहने लगी थी। पर मैं कहती भी तो क्या और कैसे? और फिर कहीं हमारी सभ्यता में वो लाज और शर्म है जो औरतों को अपने जज्बात बोलने से रोकता है। लड़कियों को प्यार का इजहार वैसे भी, मैं चुपचाप देखती रही। शिवानी रोहित को चाहने लगी थी और मैंने महसूस किया कि रोहित का झुकाव भी शिवानी की तरफ है। मैं पीछे हट गई। मैंने अपनी हार कबूल कर ली हंसते हंसते। मैं उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती थी। बिना दोनों में से किसी को यह एहसास करवाए दोनों क्या शायद कभी किसी को ये पता नहीं चला कि मैं रोहित को चाहती थी। गॉट इट, ओके। अगला क्या? ये लंच आ गया? क्यों सर? क्यों क्या मतलब मनोज, भूख लगी होगी सबको। हाँ आ गए। ब्रेक करवा दो, मैं एक मिनट बाद हूँ। लंच ब्रेक। अविनाश क्या जरूरी है कि तुम हर 5 मिनट बाद मुझसे सिर्फ रोमांस की ही बातें करो? ना खुद काम करते हो ना मुझे करने देते हो। इतना ही अगर मुझसे प्यार है ना तो घर बिठा कर रखो या अपने पीछे पीछे लटका कर घूमो। बोलो क्या बात है, क्यों फोन किया अब? शिवानी मैं रोहित बोल रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी रोहित। कोई बात नहीं। तुम कहाँ हो अब? मैं यहाँ लोकेशन पर। कैन आई कॉल यू लेटर? आफ्टर 2 मिनट्स। हाँ। नंबर क्या है? फिर एक दिन मुझे पता चला कि रोहित की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। उस समय उसके पास कोई पैसे नहीं थे और ना ही वो किसी की मदद लेना चाहता था। उस वक्त वो बहुत अकेला पड़ गया था अजय। तब भी रोहित मेरे लिए सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान था। रोहित वो नहीं था जिसे मैं चाहती थी। रोहित वो था जिससे मेरे बचपन की सहेली शिवानी प्यार करती थी और इन दोनों की शादी नहीं हो पाई।
मैंने रोहित का सिर्फ इंसानी तौर पे साथ दिया, मदद की, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। और फिर वक्त की सुइयां आगे बढ़ती चली गई, रात और उसके बाद दिन गुजरते चले गए। वहां शिवानी अपनी जिंदगी को समझने में लगी थी, खुद को अविनाश के साथ ढाल रही थी। और एक दिन अचानक रोहित ने मुझसे पूछा, गायत्री क्या तुम जिंदगी का सफर मेरे साथ तय करोगी? तुम्हें अब अपना काम कम कर देना चाहिए रोहित। मैंने वैसे भी कम कर दिया है शिवानी। तुम कितना दिमागी काम करते हो। आता भी तो वही है, अगर वो भी बंद कर दूं तो सब भूखे मर जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। क्या? बाद में देखना, यहां मत खोलना। पर इसमें है क्या? रोहित प्लीज बाद में देखना और फिर मुझे बताना तुम्हें गिफ्ट अच्छी लगी कि नहीं। जाहिर है अच्छी होगी, तुम्हारी पसंद है। पहले देखना फिर कहना। देखो शिवानी, तुम मुझे जो कुछ भी दोगी मेरे पसंद के हिसाब से ही दोगी। तुम मुझे ऐसा कुछ नहीं दोगी जिससे मुझे शिवानी अलग लगे। चले? बिल्कुल, मुझे जल्दी पहुंचना है। मनोज ने अगर शॉट लगा दिया होगा तो बस उसका जवाब भी तैयार करके ही जाना पड़ेगा। मेरा भी टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। कहना चाहते हो? सर मैं एक ही बात को बार बार क्या दोहरा हूं? आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं मनोज, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। तुम खुलकर कहो। सर आप बुरा मान गए। नहीं मनोज, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, आपको मेरी बात या मेरा कहना अच्छा नहीं लगा। मनोज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें तकलीफ क्या है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, किसी तरह से भी नहीं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर आजकल आपकी बहुत सारी बातें हमारे काम पर असर करने लगी है। हमारा काम बंद हो गया, हम भूखे मर रहे हैं। नहीं सर, आप बुरा मान गए सर। नहीं मनोज, मैं जानना चाहता हूँ कि काम पे कैसे असर होता है। जाने दीजिए सर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नहीं मनोज, तुम मुझसे बाद में भी बात नहीं करोगे। तुम अपने काम पर ध्यान दो और मेरी निजी जिंदगी मुझे संभालना है। शॉट रेडी? हाँ सर, लाइटिंग हो रही है, 10 मिनट में हो जाएगी। अजय पहले मुझे लगा कि ये लव ऑन द रिबाउंड है, रोहित एक ठोकर खाकर सहारा ढूंढ रहा है। पर बाद में मुझे यकीन हो गया था
कि वो मुझे प्यार करने लगा था। अजय, ये फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ रोहित का अतीत था जिसे मैं वाकिफ थी, और मैं जानती थी कि हमेशा मेरे आड़े आता रहेगा, मुझे परेशान करता रहेगा, क्योंकि रोहित तो मेरे साथ रहेगा ही, पर शिवानी भी यहीं कहीं आसपास रहेगी। वो दोनों मेरे लिए खुली किताब थे, और दूसरी तरफ शिवानी थी, मेरी बचपन की सहेली। क्या मेरा उसके साथ ये सब करना ठीक था? शायद नहीं, पर प्यार के आगे मैं हार गई थी। रोहित के साथ रहते रहते, उसे हर रोज देखते देखते, दिन ब दिन रोहित मेरे इतना करीब आता चला गया था कि बाकी सब दूर चले गए थे। रोहित को पाकर मैं शिवानी को खो बैठी थी। हेलो। अच्छी है शिवानी, बहुत अच्छी है, है ना? हाँ शिवानी, तुम बदल गई हो। क्यों? तुम्हारी टेस्ट अब वो नहीं रही जो पहले थी। मतलब वो फूल पेड़ पत्तों वाली कमीज याद है? हाँ अच्छी तरह से याद है। अब कोई अच्छा सा मौका देख लेना और फिर डाल लेना। शिवानी मैंने तो पहनी हुई है। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, तुम्हें कब आएगा? शिवानी अब मैं काम करता हूं। प्लीज बाय बाय। Absolutely normal, बिल्कुल fit. अब तुम 100 meters तो क्या? You can participate in your school sports and be a marathon man. ये सब आपके हाथों में ही है, जो कुछ भी है। और मेरे हाथ में उसकी ताकत, वही मेरे हाथ चलाता है ऑपरेशन के वक्त। मैं तो बस अनजान बनकर, अंधा बनकर अपने आप को उसके हवाले कर देता हूँ और बस प्रार्थना करता हूँ। आखिर वो भी तो प्यार करता है बच्चों से, क्यों? थैंक यू डॉक्टर। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके डॉक्टर। सुनो जी, जब आपने मुझे डॉक्टर कहा है तो उसका फर्ज भी निभाना सीखो। जी पैसे पैसे मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे, और ना ही मैं पैसों के लिए काम करता हूँ। मैं तो बस बच्चों से प्यार करता हूँ, क्योंकि उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं इस पेशे में हूं। जो मैं कहना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो। जब आपने मुझे डॉक्टर कहा है तो कभी भी जब भी तकलीफ में हो तो मुझे फोन कर देना। या तो मैं घर पर रहूंगा या फिर हॉस्पिटल में, ये रहा मेरा कार्ड। चाहे वो रात के 2 बजे हो या 4 बजे, कभी भी मुझे फोन कर लेना। भाई हम डॉक्टर्स हैं और ये हमारा फर्ज बनता है। ओके okay? काश सारे डॉक्टर आप जैसे होते। सारे डॉक्टर्स मुझ जैसे ही होते, लेकिन क्या होता है, जवानी में भटक जाते हैं, पर बुढ़ापे में सब वापस डॉक्टर्स बन जाते हैं। बाय रून, टेक केयर। ओके डॉक्टर, सी यू। ये गायत्री कहाँ चली गई यार? कहकर तो गई थी कि 5 मिनट में आऊंगी। लो वो आ गई। ये तुम कहाँ घूमती रहती हो गायत्री? अरे मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट देखी थी, मगर उसके पास तुम्हारी साइज नहीं थी, उसने आज के लिए बोला था, वो मैं लेने गई थी।
कल चली जाती। ना रे बाबा, अगर ये भी बिक जाती तो। मगर ये कौन सी शर्ट है, तुम पहन कर कुछ और गए थे, किसने दी? मिल जाती है मैडम। अच्छी है, मगर अब तुम ये वाली पहन कर आओ। ये क्या बात करी हो गायत्री? अरे अब ये पहन कर आओ। कल पहन लूंगा। नहीं, आज और अभी। तुम जिद क्यों कर रही हो गायत्री? अरे मैं धक्के खाकर तुम्हारे लिए शर्ट लेकर आती हूँ और तुम। गायत्री ऐसी क्या खास बात है आज? आज के दिन ही तुमने मुझे प्रपोज किया था और मैंने हाँ की थी, तुम्हें याद तो रहता नहीं है। भाई अब तो तुम्हें जाकर ये शर्ट बदल कर आनी ही होगी। रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है। जानती हूँ। और तुम भी उसे। मैं उन्हें मानती हूँ। हो गई तुम्हारी जिद पूरी? हाँ। खुश? एकदम। तुम भी जब गायत्री ढीठ बनने पर आओ ना तो बनी जाती है। बिल्कुल। और एक बात तुम भी बिल्कुल मत भूलना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो भी करवाना चाहूँ ना पकड़ कर करवा लूंगी, वो भी हक से, समझे? चलते रहते कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते किस राह गुजर गए हम, रुख हवाओं का जिधर का है उधर गए हम।